वो भी हल्की फुल्की कॉमेडी थी जी. लेकिन उसमें एक मैसेज था, साथ ही जो गलत मान्यताएं हैं उस पर प्रहार भी. क्या इस फिल्म में ऐसा कुछ दिखाई देगा? प्रहार नहीं होगा, पर हल्की फुल्के तरीके से एक अच्छा मैसेज तो हम जरूर देंगे इस फिल्म के द्वारा कि इंसान जो बचपन होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है पेरेंट्स के लिए. अगर पेरेंट्स उनके सामने कुछ ड्रामा या कुछ ज़्यादा बहस करें तो उनका असर बच्चों पर क्या पड़ता है. झगड़े अगर ज़्यादा हो जाए, हाथापाई पे उतर जाती है बात, तो कौन से लेवल पे बात जाती है और बच्चा कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है आगे जाके. पर हम लोगों ने यही चीज़ को बहुत ही ह्यूमरस वे में ट्रीट किया हुआ है. अच्छी बात है, पर मैसेज है, पर मैसेज हिलेरियस कॉमेडी वे में किया हुआ है. हाय अभिषेक, आलोक हियर फ्रॉम ओएफएम. मेरा सवाल आपसे है कि कभी बचपन में ऐसा मौका मिला आपको, जैसा कि पांच फिल्मों के बारे में मिस्टर कपूर ने बताया, कि आप कभी सेट पे गए हों और ऋषि जी को भी काम करते हुए देखा हो पिताजी के साथ? जी बिल्कुल. तो आप प्लीज़ थोड़ा भी जिक्र करना चाहेंगे किसी दास्तान का? जिक्र आज हिंदी और उर्दू ही बोला जा रहा है तो मैंने सोचा. जी बचपन से जब भी मैं सेट पे जाता था डैड से मिलने, तो नसीब से लेके मुझे याद है कि चिंटू अंकल हमेशा वहाँ दिखाई देते थे, मेरे साथ खेलते थे. अमर अकबर एंथनी में इतना था. ओ, वो तुम्हारे याद है फोटो है? जी मुझे याद है. लेकिन सबसे ज्यादा हमारे जितने भी मेरे सबसे ज्यादा यादें ये हैं अजूबा के साथ, क्योंकि बाय देन आई वाज स्लाइटली ओल्डर और चिंटू अंकल के साथ मैं बहुत इंटरेक्ट करता था बचपन में. डैड के बाद मैं इनका सबसे बड़ा फ़ैन था. सो आई यूज़ टू लव बीइंग विद हिम. हमेशा मेरी जो बहन थी और मैं जब भी हम सेट पे जाते थे वो हमेशा हमारे साथ खेलते थे एंड आज भी खेलते ही हैं. तो हंसते खेलते हमने ये फिल्म बना ली है. सो आई हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज ऑफ चिंटू अंकल. यस मिस्टर कपूर, आप जब कुनूर जा रहे थे तो उसके पहले एक ट्वीट किया था आपने कि एक दिन के लिए मैं सॉन्ग शूट करने आया था और इनके पिताजी के भी साथ काम किया, इनके साथ भी काम कर रहा हूँ. कुछ गुण देखते हैं आप अभिषेक के भीतर जो बच्चन साहब के हों, जो आपको? नहीं, बच्चन साहब सीनियर, उनके तो गुण अलग हैं, इनके गुण अलग हैं. जरूरी थोड़ी कि वो उन्हें कॉपी करें या उन्हें उनके पचहन पे चलें. इन्होंने अपनी खुद पोजीशन बनाई हुई है, अपनी खुद आइडेंटिटी बनाई हुई है, अपनी खुद छाप छोड़ी हुई है. और आप देखेंगे इस फिल्म में, हमने असल में ये पहली फिल्म है जो हमने साथ में काम किया है जैसे होना चाहिए. अब अच्छा लगे बुरा लगे तो सब पर आप लोगों के हाथ में है, बट हमने जो काम किया है वो ऑनेस्टी से काम किया.